शिकायत है। जावरा के पास गांव माऊखेड़ी सोसाइटी पर चोरों ने प्रयास किया चोरी का और फिर असफल होकर लौट गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुखेड़ा चौकी अंतर्गत गांव माऊखेड़ी में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था में ताला तोड़कर चोरी का प्रयास जारी था, लेकिन वो असफल हो गए। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी जुगलदास बैरागी निवासी ग्राम पंचायत पंचेवा में शाखा प्रबंधक मोहन लाल के साथ थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस चौकी सुखेड़ा के अंतर्गत आने वाले गांव ग्राम माऊखेड़ी में की सोसाइटी में अज्ञात चोरों द्वारा सोसाइटी का ताला तोड़कर तिजोरी के ताला तोड़ने का प्रयास किया गया है, जो सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं। उक्त सीसीटीवी फुटेज व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। यदि किसी को इन लोगों के बारे में कोई जानकारी हो तो पुलिस चौकी सुखेड़ा पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। किसान के चोरी किए गए ट्रैक्टर को पुलिस द्वारा बरामद कर आरोपियों को पकड़ा गया है। बता दें कि 10 जनवरी 2022 के दरमियानी रात में किसान मुन्ना लाल पिता राम पाटीदार निवासी नवेली के घर के सामने खड़ा ट्रैक्टर मेसी कंपनी का ट्रॉली को कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गए, जिस पर कालूखेड़ा थाना पर फरियादी मुन्नालाल पाटीदार की रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध किया गया। MP 43AA7582 मेरा कोई अज्ञात बंदा चुरा के ले गया, तो पुलिस ने अपराध नंबर 9/22 धारा 379 के तहत कायमी करके विवेचना की थी, है ना। इसके बाद में थाना सेलाना के अपराध नंबर 22/22 और 58/22 धारा 379 में आरोपी आनंद सिंह को गिरफ्तार किया था। आनंद सिंह को पूछताछ में थाना सेलाना में ये बताया था कि कालूखेड़ा का नवेली का अपराध के में जो ट्रैक्टर चोरी गया है उसमें मैंने आनंद सिंह, फेरू सिंह और गोपाल सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए कहा है कि खरीफ फसल के लोन चुकाने की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है। इससे हमने खरीफ फसल के ऋण चुकाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 अप्रैल तक किए जाने का निर्णय लिया है, ताकि सुविधा से किसान अपना लोन चुका सके और वो डिफॉल्टर ना हो। निश्चित तिथि तक के ब्याज की जितनी भी राशि होगी वो सरकार भरवाएगी, ताकि किसान 15 अप्रैल तक सुविधा से अपना लोन जमा कर सके। और डिफॉल्टर होने के बाद फिर उनको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, और इसलिए भोपाल में महंगाई पर प्रदर्शन के बाद पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत की। जब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं हुए थे तब तक डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम स्थिर रहे। चुनाव के तुरंत बाद कीमतें बढ़ा दी गई। चुनावी बोर्ड में आना भारतीय जनता पार्टी का काम है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से जुड़ी रहती है। सिंधिया को बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में गुना ने दिखा दिया था कि चुनौती कितनी मजबूत है। शिवराज सिंह चौहान के बुलडोजर मामा बन जाने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि मैंने माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाया था। शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर बुलडोजर चलाकर बदले की कार्रवाई कर रहे हैं।